आंसर। ठीक है, ये सॉल्व करके बताओ फिर। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी पे, एक सेकेंड में बताओ। अभी फॉर्मूला लिखा था, पीछे स्लाइड शो करूं फॉर्मूला क्या था? यस, स्लाइड शो करूं अगर किसी को फॉर्मूला देखना हो तो? तो फिर इसका आंसर बताओ जल्दी से। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। होगा क्या? जीरो नहीं, मैं करता हूं। चलो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर टू। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, ये कर सकते हैं, इसकी क्यूब है इसकी स्क्वायर है, यहाँ पे अपॉन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है? n into n plus 1 into n 2 n plus 1 by 2। ये क्यूब क्यूब हो गया। अब n की टोटल कितनी पावर आ गई देखो जल्दी से बताओ। चार ये हो गई, yes, sir। एक ये हो गई, तो ऊपर कितनी हो गई? पांच, और n plus 1 की पावर हो गई 4 अपॉन 16। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की पावर क्यूब कितना होता है? 216 अपॉन, ये कितनी आ जाएगी पावर इसके पास? एन क्यूब एन प्लस वन क्यूब एन टू एन प्लस वन क्यूब। ये क्लियर है? अब इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है, सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली देखो। आप डायरेक्टली देखोगे तो जो ये एक फंक्शन बन रहा है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है? एफ एक्स, और ये क्या है? जी एक्स। ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। अब जो पावर है एफ एक्स की, और वी कैन से डिग्री है जो एफ एक्स की और डिग्री है जो जी एक्स की, इन दोनों में रिलेशन क्या है? सेम। कैसे? कितनी है? नाइन। वेरी गुड, डिग्री दोनों की सेम है, 5 और 4 कितनी होगी? 9। यहां पे नीचे 3339। डिग्री जब सेम होगी, एन इनफाइनाइट होगा, तो क्या आंसर आएगा? 54। रॉन्ग, 54 नहीं आएगा। कांस्टेंट टर्म्स तो लेंगी ना, ऊपर कांस्टेंट क्या है? 216। नीचे कांस्टेंट क्या है? 16। अब ऊपर क्या आएगी पावर? 1 आएगी, और नीचे इनकी पावर क्या है? मैक्सिमम डिग्री की जो कोफिशियंट क्या है मैक्सिमम डिग्री का? ऊपर तो 1 था, नीचे क्या है? 8। वेरी गुड दिव्या, क्योंकि ये 2n क्यूब का करेंगे तो कितना होगा? 8। 8 होगा ना यहाँ से? Yes। तो 8 इसका होगा 1। देखो सबका बता देता हूँ, इसका 1 होगा, नीचे इसका 8 होगा, इसका 1 इसका 1, तो इंटू 1 इंटू 1, तो ये आपका आंसर। ऐसे सॉल्व कर लोगे तो 27/16 क्या हुआ? हाँ, तो इस तरीके से करते हैं। अब इसे कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले सम निकालेंगे, ये जो अपने को सीरीज दी है इसका सम फाइंड करना है, और सम क्या होता है? समीशन ऑफ द nth टर्म। nth टर्म का जो समीशन होता है वही तो हमारा सम होता है इस सीरीज का। nth टर्म क्या है हमारी? nth टर्म 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये nth टर्म है। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, nth टर्म को आप कैसे लिख सकते हो यहां पे? इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। लाइक अगर सपोज करो, जैसे अगर मेरे पास दिया हो 20, 1 अपॉन 20, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 लिख सकता हूं। तो ये एक तरीके का हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। जब कभी भी इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे ऐसे ब्रेक करते हैं। लाइक अगर 1 अपॉन 20 है तो इसको मैं 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 लिख सकता हूँ,
वन अपॉन एन प्लस एन एन प्लस वन है तो इसे मैं वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। नाउ अप्लाई एन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को यहाँ पे अप्लाई करो, कैसे करोगे बताओ मुझे। क्या वैल्यू आएगी इसकी? किसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? इस समीशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हुआ, अगर एन की वैल्यू तुम पुट करते हो वन से लेकर, तो वन बाय वन माइनस वन बाय टू माइनस वन प्लस वन बाय टू फिर माइनस वन बाय थ्री फिर प्लस वन बाय थ्री फिर माइनस वन बाय फोर इस तरीके से आएगा, फिर एन सो ऑन प्लस वन बाय एन माइनस वन बाय एन एन प्लस वन, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसमें वैल्यू ऑफ इसमें इन्फाइनाइट पुट करके बताना मुझे क्या आएगा, पहले ये क्वेश्चन करो, ये करके दिखाओ। ट्राई करना इन दोनों के आंसर बताना मुझे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, व्हाट डज मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन? अभी तक तो हमने सर आपने कल एक क्वेश्चन दिया था मैट्रिसेस का, आपने बोला था आप उसका शॉर्टकट बताएंगे, वो सॉल्व किया तुमने? सॉल्व किया मैंने कहा था जब मुझे उसका तुम सॉल्यूशन दोगे उसके बाद ही बताऊंगा। सॉल्व की वो स्लाइड? नहीं सर। फिर सॉल्व करो फिर पूछना। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे? अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू ए पे ये कंटिन्यूस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजिकल टू ए इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए देन इट इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब उस फंक्शन का उस लिमिट पे जो वैल्यू है वो उस फंक्शन में लिमिट की वैल्यू रखने पे ही अपने पास जो आंसर आ जाता है तो वो एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा वो। सो डिसकंटिन्यूस फंक्शन, जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के टाइप्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन? हाँ यस वेरी गुड। नहीं अपने फर्स्ट टाइप इस तरीके से देखते हैं, लाइक पहला टाइप है जैसे अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी हैव डिसकंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ द लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, मतलब अगर उन दोनों की जो लिमिट है वो इक्वल नहीं है तो उस केस में वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। yes. तो इस कंटिन्यूटी को हम ये भी बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस ऑफ सेकेंड टाइप इफ ईदर द लिमिट, ईदर द लेफ्ट लिमिट और द राइट लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, या तो लेफ्ट एग्जिस्ट ना करे या राइट एग्जिस्ट ना करे या बोथ दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे, ओके। एंड द थर्ड वन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मीन्स अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूअस और वी कैन से द फंक्शन एफ इज सेट टू बी सेट टू हैव डिसकंटिन्यूअस ऑफ विद रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी if the limit fx where x tends to a minus means left limit is equal to right limit but not equal to fa, तो ये removal discontinuity होती है। So first type of discontinuity is jump discontinuity जिसके अंदर दोनों equal ना होंगे, fx भी equal नहीं होगी, limit जो left limit right limit के equal नहीं होगी, this is known to be jump discontinuity।
सेकेंड वन इज द राइट और द लेफ्ट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज नॉट टू बी एज सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. एंड इन केस ऑफ रिमूवेबल एफ एक्स लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ए. तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा आ रहा है, या तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है, किसी के माइक्रोफोन से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है.